नमस्कार, गॉसिप गोठ में स्वागत है आपका। आज मीडिया की सुर्खियों में है और खास चर्चा भी है लोगों के बीच, शराबबंदी की मांग। छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी की मांग। आने वाले सावन में वर्षा तो खूब होगी, बरसेगी बदरा, लेकिन नहीं होगा शराब। जी हाँ, इसके लिए भेजी गई है राखी। राखी ही नहीं, रोली और तिलक भी दिलाई गई हैं, कसमें वादे याद दिलाए गए हैं। ये राखी किसी और ने नहीं भेजा है, हम आपको बता दें, ये राखी भेजा है दिग्गज भाजपा नेत्री, राज्यसभा सांसद सुश्री सरोज पांडे ने, और राखी भेजा है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को। जी हाँ, छत्तीसगढ़ से दिग्गज भाजपा नेत्री, राज्यसभा सांसद सुश्री सरोज पांडे ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखकर राखी भेजी है, और राखी के साथ उन्होंने उपहार में पूर्ण शराबबंदी की मांग की है। सरोज पांडे ने मुख्यमंत्री को याद दिलाया है, 40 दिनों के लॉकडाउन के बाद प्रदेश में शराब का विक्रय पुनः शुरू होने से और इसके बढ़ते सेवन के चलते राज्य में घरेलू हिंसा की बातें बढ़ गई हैं। घर घर में महिलाएं प्रताड़ित हो जा रही हैं, दीदी और बहनों को पतियों के द्वारा दारू पीकर पीटा जा रहा है, उन्होंने अपनी पत्र में लिखा है। इसके चलते प्रदेश में भयावह स्थिति हो रही है, अतः उन्होंने मुख्यमंत्री को पुराने वादों का याद दिलाते हुए प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी की मांग की है। एक बहन के द्वारा अपनी भाई की ओर से यही उपहार मांगा गया है। ये तो थी दीदी की बातें। दीदी ने राखी भेज दी, राखी के साथ रोली और तिलक भी भेज दिया और साथ में शराबबंदी उपहार के रूप में मांग लिया। पत्र के प्राप्ति के साथ ही अनेक भाई भी जाग उठे और भाइयों में जवाब देने का होड़ लग गया दीदी को। कांग्रेसी खेमे के अनेक भाई टूट पड़े दीदी को जवाबी उपहार देने के लिए। कांग्रेसी खेमे में चर्चा है, किसी ने ये याद दिलाया कि दाऊ तो उसी क्षेत्र से आते हैं जिस क्षेत्र की दीदी है। दाऊ का विधानसभा क्षेत्र उसी क्षेत्र में पड़ता है जिसका प्रतिनिधित्व लोकसभा में दीदी करती हैं। इसके पहले भी दीदी ने कभी राखी बांधा है। एक कांग्रेसी भाई आए और उन्होंने कहा कि दीदी को शायद भाजपाई मुख्यमंत्री से ज़्यादा कांग्रेसी मुख्यमंत्री पर विश्वास है। एक छोटा भाई तो अब शहर से आगे आ उपहार, बिल्कुल उपहार मान लिया जाएगा, आपकी सारी मांगे मान ले जाएंगी करके स्वयंभू घोषणा भी कर दिया। अंत में मुख्यमंत्री ने इस मांग और उपहार की बातों पर पटाक्षेप किया। पत्र लिखकर मुख्यमंत्री ने दीदी को विश्वास दिलाया कि प्रदेश पूर्ण शराबबंदी की ओर है, आपकी मांगे पूर्ण रूप से मानी जाएंगी और प्रदेश में शीघ्र ही पूर्ण शराबबंदी लागू होगा। तो ये मुख्यमंत्री ने दीदी को उपहार तो दे दिया, लेकिन उपहार के साथ ही उन्होंने अंत में एक प्रश्न भी लगा दिया। वो जवाबी प्रश्न में उन्होंने अमित शाह और नरेंद्र मोदी पर प्रश्न चिन्ह भी खड़ा कर दिया। अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रश्न के प्रति प्रश्न पर दीदी का क्या जवाब होता है।